क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीकों के माध्यम से अपनी वित्तीय वास्तविकता बनाने की क्षमता है। आप अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को बना सकते हैं। ये क्षमता आपके भीतर है। अगर आप भी अपने जीवन में फाइनेंशियल स्ट्रगल को लेकर परेशान हैं, अगर आपके अंदर भी एक भूख है कि आपके पास उन सभी चीजों की अबंडेंस हो, उन सभी चीजों की प्रचुरता हो जो आप चाहते हैं, तो आपका सिल्वर अल्ट्रा माइंड मेथड की दुनिया में स्वागत है, जहां पर विज्ञान में भी अलौकिक घटनाएं होती है। इस वीडियो के अंत में हम एक ऐसी रियल कहानी बताएंगे जिसमें आप ये जानेंगे कि कैसे एक व्यक्ति अपने दिमाग की अविश्वसनीय क्षमता का उपयोग करके पैसे प्रकट कैसे कर सकते हैं, यानी मनी को मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं। ये पॉसिबल है क्योंकि ऐसी घटना हुई है। बस आपको ये समझना है और इसे अपने जीवन में इस्तेमाल भी करना है। सबसे पहले आपको जानना होगा कि सिल्वर अल्ट्रा माइंड विधि क्या है। इस वीडियो का मुख्य पॉइंट यही है कि आप अल्फा अवस्था में कैसे प्रवेश करें, अपने सपनों को ड्रीम्स को प्रोजेक्ट करें और आसानी से अपनी इच्छा अनुसार धन आकर्षित करें। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर समझें। सिल्वर अल्ट्रा माइंड मेथड एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, एक सेल्फ हेल्प एंड मेडिटेशन प्रोग्राम है जो कि जोसे सिल्वा के द्वारा डेवलप किया गया था। इसे फाइनेंशियल अबंडेंस सहित आपकी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए आपके दिमाग, अंतर्ज्ञान और उच्च बुद्धि की शक्ति का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। और ये पूरा विधि वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है जो कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए और आपके दिमाग की क्षमताओं के प्रभावी उपयोग पर केंद्रित है। इसे उपयोग करने से पहले ये समझते हैं कि इसके पीछे का साइंस, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, ताकि हम इसे प्रभावी ढंग से अपने जीवन में उपयोग कर पाए। सिल्वर अल्ट्रा माइंड मेथड ये बताता है कि मानव मन चेतना की विभिन्न अवस्थाओं में काम करता है। इस पद्धति के प्रणेता जो सिल्वा ने पाया कि चेतना की अल्फा अवस्था तक पहुंचकर आप अपने अवचेतन मन तक पहुंच सकते हैं, यानी कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं, जो कि आपकी अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन, कल्पना यानी इमेजिनेशन और अभिव्यक्ति शक्ति का स्रोत है, यानी मैनिफेस्टेशन पावर का स्रोत है। अल्फा स्टेट बढ़ी हुई जागरूकता और रचनात्मक की अवस्था है, मतलब ये आपके अवेयरनेस और क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। ये एक रिलैक्स्ड अलर्टनेस की अवस्था है और ये अवस्था सोने से ठीक पहले या जागने के क्षणों के समान है। इस अवस्था में आपका मस्तिष्क कम आवृत्ति पर काम करता है, यानी कि आपका ब्रेन लोअर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है, जिससे कि आप अपने अवचेतन मन में प्रवेश कर सकते हैं और अपने अंतर्ज्ञान और रचनात्मक क्षमताओं से जुड़ सकते हैं। आइए समझते हैं कि 3C टेक्निक क्या है, क्योंकि सिल्वर अल्ट्रा माइंड मेथड का की कंपोनेंट 3C टेक्निक ही है, क्योंकि ये टेक्निक आपके डिजायर्ड आउटकम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए आपके जीवन में विजुअलाइजेशन की शक्ति और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट का उपयोग करती है। ये सिद्धांत पर आधारित है कि मजबूत भावनाओं और दृढ़ विश्वास के साथ आप अपने मन में जो स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं उसे आपकी वास्तविकता में लाया जा सकता है। आइए समझते हैं यह कैसे काम करता है और इसका उपयोग कैसे करें। इसे ठीक से उपयोग करने के लिए सबसे पहला स्टेप है रिलैक्सेशन यानी विश्राम। शुरू करने से पहले ये बहुत ही एसेंशियल है कि आप अपने माइंड को और बॉडी को सिल्वर सेंटरिंग एक्सरसाइज की मदद से रिलैक्स करते हैं या नहीं। मतलब अपने बॉडी को, अपने माइंड को सबसे पहले विश्राम करना है, क्योंकि ये सरल ध्यान आपको अल्फा अवस्था में प्रवेश करने में मदद करता है। इसलिए जब तक आप अपने बॉडी को, अपने दिमाग को ठीक से रिलैक्स पोजिशन में नहीं रखते हैं, तो आप अल्फा अवस्था में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और जब आप अल्फा स्टेट में प्रवेश कर जाएंगे, उस वक्त आप अपने अवचेतन मन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। नंबर 2, विजुअलाइजेशन। जब आपने अपने बॉडी को रिलैक्स कर लिया, तब आपको अपने दिमाग में 3 दृश्य बनाना है जो आपके वांछित वित्तीय परिणाम का प्रतिनिधित्व करता हो। ये दृश्य जीवंत, यथार्थवादी और सकारात्मक होने चाहिए, यानी कि विविड, रियलिस्टिक और पॉजिटिव होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक महत्वपूर्ण चेक प्राप्त करने और अपने ऋण का भुगतान करने या एक विशिष्ट खरीदारी करने की कल्पना कर सकते हैं जो आपको खुशी देती हो। और प्रत्येक दृश्य की कल्पना करते समय खुशी, कृतज्ञता और संतुष्टि की भावनाओं को महसूस करना आवश्यक है। नंबर 3, हायर इंटेलिजेंस कनेक्शन। जब आपने दृश्यों की कल्पना कर ली है, इसके बाद आप उन दृश्यों को एक उच्च इंटेलिजेंस के सामने पेश करते हैं, यह स्वीकार करते हुए कि आपसे भी बड़ी एक शक्ति है जो आपकी इच्छाओं को प्रकट करने में सहायता कर सकती है। उस वक्त आप इस हायर इंटेलिजेंस के समर्थन और सहयोग पर भरोसा करते हैं और उसके प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं। नंबर 4, लेटिंग गो यानी कि जाने देना।
आप परिणाम के प्रति अपना लगाव छोड़ देते हैं, यानी कि आपके जो भी रिजल्ट्स आएंगे, जो भी आपका परिणाम आएगा उसके प्रति लगाव आपको छोड़ देना है, क्योंकि जब आप उसके प्रति ज्यादा लगाव रखेंगे तब आपको एक डर सा पैदा होगा और वही डर तो आपको अपने भीतर नहीं लाना है। जब आप अपने परिणाम के प्रति अपना लगाव छोड़ देते हैं और ये भरोसा करते हैं कि यह आपके लिए सर्वोत्तम तरीके से और सही समय पर होगा, तब उस वक्त आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ही अधिक एक्टिवेट होता है। इस स्टेप में नियंत्रण छोड़ना और प्रक्रिया में विश्वास रखना शामिल है। थ्री सीन टेक्निक आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स और इंटेंशंस को आपके डिजायर्ड फाइनेंशियल आउटकम्स के साथ अलाइन करती है और इसी प्रकार ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के लिए एक स्टेज का काम करती है। अपनी भावनाओं को शामिल करके और हायर इंटेलिजेंस पावर के साथ जुड़कर आप इस पूरे ब्रह्मांड को एक स्पष्ट और शक्तिशाली संदेश भेजते हैं। आइए इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि एक व्यक्ति जिसका नाम है जॉन, उन्होंने कैसे अपने जीवन में सिल्वर अल्ट्रा माइंड मेथड का उपयोग करके उन सभी चीजों को हासिल किया जो वे चाहते थे, सभी चीजों में फाइनेंशियल अबंडेंस को पाया। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे शहर से जहाँ पर एक व्यक्ति जॉन रहता था। वे वर्षों से वित्तीय समस्याओं से जूझ रहे थे, उस पर कर्ज बढ़ता जा रहा था और उसकी सैलरी सिर्फ उसके गुजारा करने के लायक थे। फिर उन्होंने अपनी वित्तीय स्थिति को बदलने के लिए सिल्वर अल्ट्रा माइंड मेथड को आजमाने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने रिलैक्सेशन का प्रोसेस का इस्तेमाल किया। उन्होंने सिल्वर सेंटरिंग एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करके अपने आप को रिलैक्स किया, जिससे कि वो अपने आप को अल्फा स्टेट में इजीली घुसा सके और अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर सके। उसके बाद उन्होंने विजुलाइज किया। विजुलाइजेशन के दौरान तीन विविड सीन उन्होंने क्रिएट किए। इन द फर्स्ट सीन उन्होंने ये विजुलाइज किया कि वे एक इनवेलप को खोल रहे हैं जिसमें एक चेक पड़ा हुआ है और वो चेक वही अमाउंट थी जो वह चाहता था। उसके बाद उन्होंने सेकंड सीन में विजुलाइज किया कि वह अपनी सभी कर्जों को चुका रहा है, वन बाय वन अपनी कर्जों को चुका रहा है और वो भी रिलीफ और ग्रेटिट्यूड के साथ। और थर्ड सीन में उन्होंने विजुलाइज किया कि वे अपने सपनों के घर खरीद रहे हैं, अपने घर के रूम में चारों तरफ वो घूम रहे हैं और उस वक्त वह बहुत ही खुशी और संतुष्टि महसूस करते हैं। जब उन्होंने ये विजुलाइज कर लिया है, उसके बाद यही सब इमेज को वह एक हायर इंटेलिजेंस के साथ जोड़ते हैं और हायर इंटेलिजेंस के साथ जोड़ने के समय वह ट्रस्ट और ग्रेटिट्यूड का भी इस्तेमाल करते हैं। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी हायर इंटेलिजेंस उसे उसके फाइनेंशियल अबंडेंस और हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, जहां पर उसके जीवन के लिए अच्छे काम हो सके, वहां तक उसे पहुंचा देगी। उसके बाद जॉन ने अपने परिणाम के प्रति ये सोचना छोड़ दिया, अपने परिणाम के प्रति लगाव छोड़ दिया, क्योंकि वह जानता था कि उसके लिए ये सभी कुछ एक अच्छे दिन, एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे समय में होगा। उन्होंने अपने विश्वास को अफहम किया और वर्तमान क्षण में जीने पर ध्यान केंद्रित किया। फिर समय के साथ जॉन ने अपनी वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव देखे। उनके रास्ते में अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज आई। उन्होंने अपने काम में एक अमेजिंग बोनस पाया जो कि वो सोचा भी नहीं था। फिर उन्होंने इन पैसों को, इन फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को अपने ऋण को चुकाने के लिए उपयोग किया और अपने सपनों के घर के लिए बचत करना शुरू कर दिया। उन्होंने जो दृश्य देखे थे वे उनके जीवन में हकीकत बन गए। ये एक रियल घटना है। लेकिन हाँ, इस टेक्निक का मदद करने से पहले, यानी कि सिल्वर अल्ट्रा माइंड पद्धति का उपयोग करने से पहले, आपको कभी कभी गलत फहमियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि टू गुड टू बी ट्रू, यानी कि सच्चा होने के लिए बहुत अच्छा। कुछ लोग इस पद्धति को सच होने के लिए बहुत अच्छा या जादुई सोच के रूप में देख सकते हैं, लेकिन यह एक वैज्ञानिक अनुसंधान और सिद्धांतों पर आधारित है जिसमें अल्फा अवस्था की शक्ति और वास्तविकता पर अवचेतन विचारों का प्रभाव शामिल है। टू सिंपल यानी कि बहुत सरल। कुछ लोग ये मान सकते हैं कि यह विधि काम करने के लिए बहुत सरल है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसकी स्ट्रेंथ पूरी तरह से ब्रह्मांड के प्राकृतिक नियमों के साथ अलाइन होती है, जहां आपके विचार, भावनाएं और इरादे आपकी वास्तविकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। मतलब इस प्रोसेस का उपयोग करने से पहले आपको अपने विचार और भावनाओं को, अपने इरादों को बहुत ही अच्छे तरीके से रखना होगा, तभी ये आपके जीवन में अच्छे तरीके से काम करेंगे। अनदर मिसकंसेप्शन है कि इंस्टेंट रिजल्ट। लेकिन एक चीज याद रखना है कि आपको अल्फा स्टेट में जाकर अपने अवचेतन मन का उपयोग करना है। ये सिल्वर अल्ट्रा माइंड मेथड एक प्रैक्टिस है जिसमें आपको कंसिस्टेंसी रखना होगा और पेशेंस रखना होगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिजल्ट्स एग्जैक्टली वो नहीं आएंगे जो आपने विजुलाइज किया था, लेकिन ये आपके सोच से ज्यादा भी आ सकते हैं और सही रास्ते और सही समय पर ये आपको हाईएस्ट पॉसिबिलिटी प्रदान करते हैं। ये आपके विचारों, आपकी भावनाओं और आपके इरादों पर निर्भर करती है कि आपके विचार और भावनाएं कैसे हैं, आप कितना अधिक अपने अवचेतन मन का उपयोग कर पा रहे हैं।
आप जितना इफेक्टिव तरीके से इसका उपयोग करेंगे, रिजल्ट भी आपको उतने ही इफेक्टिव तरीके से मिलेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि सिल्वर अल्ट्रा माइंड मेथड वित्तीय प्रचुरता को प्रकट करने के लिए एक व्यावहारिक और वैज्ञानिक रूप से आधारित दृष्टिकोण प्रदान करता है। अल्फा अवस्था तक पहुंचकर थ्री सीन टेक्निक का अभ्यास करके और इस प्रक्रिया पर भरोसा करके व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को अपनी इच्छाओं के साथ अलाइन कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि आपका दिमाग, आपका माइंड एक पावरफुल टूल है जो कि आपकी इच्छाओं को आपकी रियलिटी में क्रिएट कर सकता है, और ये 100% सत्य है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने माइंड का उपयोग किस तरह से कर रहे हैं। अगर आप अपने माइंड को अपने फाइनेंशियल अबंडेंस के साथ अलाइन कर पा रहे हैं तो आप चुटकियों में पैसे को आकर्षित कर पाएंगे। आपके जीवन में पैसों की प्रचुरता होगी, आपके जीवन में लगातार पैसे आकर्षित होते रहेंगे। बस आपको इस प्रोसेस पर विश्वास करना है और इसे अपने जीवन में ठीक से उपयोग भी करना है। दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि इस चैनल पर आने वाले हर वीडियो को देखने का आपको मौका मिले। फिर मिलता हूँ कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।